नमस्कार, सवाल आपका, देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। हरियाणवी बोली में बनी एक फिल्म जिसके टाइटल पर विवाद हो गया। विवाद के बाद फिल्म निर्माता बैकफुट पर आ गए और टाइटल बदलने का ऐलान कर दिया। स्टेज ऐप ने सफाई दी कि फिल्म के माध्यम से उनका मकसद सिर्फ मनोरंजन करना है, ना कि किसी तरह के गोत्र या जातिवाद को बढ़ावा देना। खापों के विरोध के बाद फिल्म का टाइटल तो बदला जा रहा है, लेकिन शीर्षक को लेकर जो आपत्ति जताई गई और जो विवाद शुरू हुआ, क्या वो भी थम जाएगा? ये बड़ा सवाल है। फिल्में समाज का आईना होती है। कभी इनमें इतिहास की झलक दिखती है तो कभी भविष्य की झलक दिखाई देती है, लेकिन कभी कभी समाज के मनोरंजन का माध्यम यही फिल्में अपनी सीमाएं लांघ जाती हैं। कई बार निर्माता अपने निजी स्वार्थ यानी ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ऐसी सामग्री इन फिल्मों में परोसते हैं जिसे किसी भी मायने में सही नहीं ठहरा जा सकता। आपत्तिजनक कंटेंट परोसने से लेकर किसी वर्ग या समुदाय विशेष तक को निशाना बनाने से गुरेज नहीं किया जाता। कुछ ऐसा ही देखने को मिला हरियाणवी बोली में बनी एक फिल्म जिसके शीर्षक को लेकर। हम यहां उस विवादित शीर्षक का जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि उसके टाइटल को लेकर ही हरियाणा की दो बड़ी खापें मलिक और दैया, इन्होंने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। ऑल इंडिया मलिक खाप के प्रधान दादा बलजीत सिंह मलिक ने इसे भाईचारा खराब करने की कोशिश बताया, तो दैया खाप ने फिल्म निर्माताओं पर ही मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान कर दिया। वे दोनों खापों के विरोध के बीच हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी फिल्म के पोस्टर को ट्वीट करते हुए राज्य के गृह मंत्री अनिल विज से फिल्म का नाम पर संज्ञान लेने का आग्रह किया। हालांकि फिल्म के टाइटल पर शुरू हुआ इस विरोध के बाद फिल्म बनाने वाली स्टेज ऐप बैकफुट पर आ गई है और फिल्म का टाइटल बदलने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से रील और रियलिटी के बीच मनोरंजन की लाइन से इतर एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया कि क्या मनोरंजन जगत समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी से अब चूकने लगा है। आज इन्हीं सवालों को लेकर बात करने वाले हैं, इसी मसले को लेकर बात करने वाले हैं, लेकिन रिएक्शन सामने आ रहे हैं, एक बार जरा उनको सुन लेते हैं। जो है कि पिक्चर का टाइटल दैया वर्सेस मलिक जो चला हुआ है उसके ऊपर जो है ना बहुत सारे युवाओं में आक्रोश है और पूरी खाप में आक्रोश है। पूरी खाप के प्रमुख लोगों ने एक मीटिंग किया आज और उन्होंने कहा कि इसमें बहुत जल्द से जल्द कार्रवाई करो प्रधान जी। और मैं प्रधान दैया खाप होने के नाते आज मैंने अपने पूरे खाप के प्रमुख लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि आज मीडिया में दो और मंडे को जो है ना इसमें कोर्ट में फाइल करेंगे कि भाई ये बहुत गलत है। कोई युद्ध थोड़ा हो रहा है, कोई उन्होंने पिक्चर बनानी थी, और बहुत सारे टाइटल हो सकते थे किसी दो गोत्रों के, जो भारत की प्रमुख खापे हैं, दोनों प्रमुख गोत्र हैं मलिक और दैया, ये क्या मजाक बना रखा है। मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के अगेंस्ट हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे और इसका जो है ना टाइटल भी और स्टोरी में अगर कोई बहुत तरमीम वाली बात होगी तो उसको भी बंद करेंगे, अन्यथा किसी भी हॉल पे जो है इनको चलने नहीं दिया जाएगा। ये हॉल वाले अपने आप समझेंगे, आग यदि भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके जिम्मेवार खुद प्रोड्यूसर और हॉल वाले होंगे, ताकि इसमें गलत संदेश जाता है समाज में, समाज का भाईचारा ना करने की बजाय उल्टा जो है इसमें नुकसान होगा। तो समाज के भाईचारे को लेकर सवाल उठा है फिल्म के शीर्षक से, टाइटल से, और इस टाइटल को बदलने की बात जरूर कही गई है, लेकिन यह टाइटल दिया क्यों गया? यह बड़ा सवाल है और ऐसे कुछ सवाल और हैं, उन सवालों पर आज चर्चा करेंगे, एक एक करके सवाल आपको दिखाते हैं, फिर खास मेहमानों से बातचीत करेंगे। हरियाणा फिल्म का विवादित टाइटल, मामला कितना गंभीर है? हरियाणा के सामाजिक ताने बाने के लिए फिल्म का टाइटल क्या एक खतरा है? खापों के विरोध के बाद शीर्षक बदलने का फैसला, इसके बाद क्या मामला सुलझ जाएगा? निजी मुनाफे के लिए क्या दिए जाते हैं फिल्मों के भड़काऊ टाइटल? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि इस प्रकार के शीर्षक जब दिए जाते हैं तो उसको लेकर पहले भी हिंदी सिनेमा जगत में कई बार बवाल सामने आ चुके हैं, लेकिन यह शीर्षक दिया जाना क्या खापों को हजम न होने का बड़ा कारण यही है कि यह दोनों खापों के बीच में गहरी खाई पैदा करने वाला है। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ जो हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है और वो ट्वीट क्या है जरा एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। किसी भी गोत्र या जाति को इस तरह दिखाना भड़काऊ है। इस फिल्म की कथा क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका टाइटल बेहद आपत्तिजनक है, ये उन्होंने कहा है।
और आपके मन में भी अगर इस प्रकार के सवाल चल रहे हैं, इस प्रकार के टाइटल जो आप तक बात पहुंची है, तो आप भी सवाल आपका किस मंच के जरिए अपनी बात रख सकती हैं, क्योंकि ये दो गोत्र को वर्सेस दिखाने का मामला है। फिल्म का टाइटल इस तरीके का है कि वो दो गोत्र ऐसे हैं जाट समुदाय के, उनको वर्सेस दिखा रहा है और इसी वर्सेस को लेकर बहस छिड़ी है कि ऐसे टाइटल दिए जाना कितना खतरनाक है भाईचारे को लेकर। चलिए, मेरे साथ दो खास मेहमान इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। अंजुमी हुड्डा फिल्म अभिनेत्री है, इस फिल्म में उन्होंने भूमिका निभाई है। अंजुमी जी, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। और दादा बलजीत है मेरे साथ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिक खाप के। बलजीत जी, बहुत स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। पहला सवाल मेरा अंजुमी से रहेगा। अंजुमी जी, इस शीर्षक को लेकर, हालांकि अब इसको बदलने की बात कह दी गई है, लेकिन ये वर्सेस जो आप लोगों ने इसमें इस्तेमाल किया है, ये क्या संदेश दे रहा मैम? देखिए सर, पहली बात तो जो दहिया वर्सेस मलिक जो है वो टाइटल इसलिए रखा गया था क्योंकि वो जो कथानक हमारा है वो कहीं ना कहीं उससे एक फिक्शन है, वो कहीं खाप से रिलेटेड, या हम खाप को उस तरीके से नहीं दर्शाना चाह रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग दहिया और मलिक खाप जो है वो बहुत सम्मानित खाप हैं हमारी और बहुत बड़ी खापे हैं अपने आप में, बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है उनकी। तो ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा हरियाणा उसके साथ जुड़े, इसीलिए दहिया और मलिक जो सरनेम है उनका इस्तेमाल किया गया था। बाकी मुझे लगता है कि शायद वर्सेस लगाना कहीं ना कहीं गलत था टीम का, या फिर इस तरीके से वो उस तरीके से नहीं जा पाया लोगों के बीच में, जिस तरीके से जिस एनर्जी या जिस इमोशन के साथ हमने लगाया था। हमने चाहा था कि सारा भाईचारा जुड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है कहीं भी ये संदेश नहीं दिया गया कि भाईचारे को तोड़ने की या बंटवारा करने की बात की गई हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ भाईचारे को जोड़ने की टाइटल दिया गया। उस टाइटल से कहीं पर भी ऐसा दिखता नहीं है कि ये जोड़ने का प्रक्रम है। वर्सेस से जब भी कोई, जैसे किसी खिलाड़ी, जो दो टीमें आपस में मैच में होती है, दो किसी और मसलों को लेकर आपस में किसी बात को लेकर कंपटीशन होता है, तो वहां पर इस वर्सेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा प्रतीत, ऐसा दिखाने की कोशिश करें टाइटल से कि कौन सी खाप एक दूसरे से बेहतर है, ऐसा ये मैसेज दे रहा है और इसी को लेकर आपत्ति नजर आती है। देखिए, सबसे बेहतर तो मुझे लगता है भाईचारा है, चाहे उसमें दहिया खाप हो, चाहे मलिक खाप हो, चाहे हुड्डा खाप हो। और वर्सेस लगाने से हमारा भाईचारा कमजोर हो जाए, इतना कमजोर हमारा हरियाणा का भाईचारा नहीं है। और वो इस फिल्म के टाइटल पे जिन भी लोगों ने आपत्ति जताई है, ये सुन के मुझे, ये जान के भी मुझे लगता है कि ये भी एक सोचने वाली बात है कि हमारा भाईचारा वहां जाके एकजुट होके खड़ा हुआ है। और अगर उनको वो चीज पसंद नहीं आई किसी तरीके से, तो हमारी टीम ने उसका पूरा मान सम्मान रखा है। हम शीर्षक जो है उसको बदल रहे हैं, क्योंकि भाईचारे से और हरियाणा की ऑडियंस से ऊपर, हरियाणा के लोगों से ऊपर, उनकी जो भावनाएं हैं उनसे ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है अंजुमी जी, मेरे साथ बलजीत जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष मलिक खाप के, फोन लाइन पर हैं। बलजीत जी, फिल्म का टाइटल बदलने की बात कही है और भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दुख पहले भी जताया गया, लेकिन इसके बाद भी और क्या क्या आपत्तियां आप लोगों को नजर आती हैं और टाइटल को लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है संतेश सिंह जी, ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था फिल्म के निर्माता का, निर्देशक का, कि इस तरह का नाम लिया जाना अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जी। ये मॉनेटरी लाभ के लिए ऐसा किया गया था, और उसके लिए दूसरी खापों को मोहरा बनाना या उनको यूज करना ये गलत है। इससे समाज में गलत संदेश जाता है। वर्सेस का मतलब सीधी प्रतिद्वंदिता नहीं होती, आपस की वैर भाव विद्वेष भी दिखाना होता है। अब आप कोर्ट में जाओगे तो फलाना वर्सेस फलाना, वो कोई खुशी के लिए थोड़ा ही जाते हैं कोर्ट में, मुकदमेबाजी में। वही संदेश लोगों के दिमाग में गया है इसको देखते ही, और लोगों की बड़ी प्रतिक्रिया आई है, लोग बहुत नाराज हैं इस बात से। और हम जो बोलते हैं वो समाज का एक, ये समझो के आईना है, जो समाज चाहता है वही हम कहते हैं जी। हम तो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, इसलिए हम बोल रहे हैं, हम विरोध करें इस बात का कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये कहते हैं हमने बदल दिया, लेकिन बदला तो तब जाएगा ना, बदला जाएगा तब की बात है, अभी तो ये फैसला लेने लग रहे हैं। ठीक है बलजीत जी, अंजुमी हुड्डा जी, भी बदलने को लेकर इनको भरोसा नहीं है, बदला जाएगा तब देखा जाएगा, लेकिन एक आरोप लगाया कि अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, लालच में पैसा कमाने के लिए इस तरह की बातें निकल कर आई हैं। इन तमाम चीजों को देखते हुए सब किया जाता है जो कहीं ना कहीं गलत है। और यह भी कहा कि जब हम कोर्ट में जाते हैं तो फलाना वर्सेस फलाना, ऐसे मुकदमों के नाम प्रतिद्वंदिता नहीं है, ये आपस में फूट डालने की कोशिश है, ऐसा कहा जा रहा है। देखिए
देखिए सर, मुझे लगता है एक चीज के दो पहलू होते हैं। मैं भी हरियाणा की बेटी हूँ, हरियाणा के गांव से ही पली बड़ी हूँ, हरियाणा में मेरा जन्म होया, और मैं हरियाणवी में बात करूंगी क्योंकि मैंने देखने वाले भी हरियाणा के हैं। तो मैं हरियाणा की बेटी होकर कदे भी नहीं चाहूंगी कि भाई मैं किसी इसी चीज का हिस्सा बनूं जो मेरी संस्कृति के, मेरे बड़े बुजुर्गों के, या फिर हमारी माटी के, हमारे संस्कारों के खिलाफ हो। मैं क्यों खुद ऐसा चाहूंगी कि भाई मैं अपनी जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे भी घर में दादा ताऊ हैं, मम्मी पापा हैं, वो सब इस फिल्म ने देखेंगे। तो ईसा कुछ भी नहीं है कि भाईचारे के बंटवारे करण खातिर यह फिल्म बनाई गई है, या इसका जो शीर्षक है वो, चलो भाई मैं दादाजी, मलिक दादाजी जो हैं, उनसे पहले भी मैं कई बार कह चुकी हूँ कि भाई हो जाए बड़ा छोटा था गलती, तो बड़ा का फर्ज बना है कि वह गाइड कर दे। मैं भाई मारते गलती होगी, कोई बात नहीं, आप माफ कर दो, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिल्म भाईचारे ने बांटन खातर नहीं बनाई गई, या भाईचारे ने बढ़ावा देने खातर बनाई गई है, और मनोरंजन की एक अपनी परिभाषा हो है। और बाकी देखो ये कॉल तो जो होता लेकिन है वो, अंजुवे जी, मनोरंजन के लिए क्या हम कोई सीमा को लांघ सकते हैं क्या? जैसे आपने कहा कि देखिए आपको मैं तो आपत्ति पहली है, बात, मैं एक हाँ आर्टिस्ट हूँ, मेरा कॉल अंजुवे नहीं जी, होता वो लेकिन जब नाम ये रखना नाम ना, डिसाइड हो वो रहा मेरा था, कॉल नहीं है अंजुवे जी, कि जो मुझे नाम, क्या नाम हाँ रखना है। नाम डिसाइड हो रहा था, तब कहीं ना कहीं इस बात की भनक आपको लगी होगी। आपको ये नाम जो पहले सुझाया गया था कि फिल्म बनने के बाद नाम जो है वो डिसाइड हुआ है, ये जरा मैं समझना चाहता हूँ आपसे। देखिए जो नाम था वो कहीं ना कहीं दहिया और मलिक रखने का रीजन ये था टीम का कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, क्योंकि दहिया और खाप, दहिया और जो मलिक खाप हैं वो लेकिन बहुत उल्टा बड़े हो खाप गया। हैं। लेकिन उसका कतई ये इंटेंशन नहीं था कि वो लोगों को, लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, और ना हमने इस तरीके से इस चीज पे इतना सोचा था कि इतना बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी, लोगों के इमोशंस को हर्ट करने की हमारी या हमारी टीम की किसी की भी वो भावना नहीं थी, ना वो मंशा थी। मैं बलजीत जी आपसे पूछूंगा, ऐसी कोई भावना नहीं है, ऐसी कोई मंशा नहीं है। फिल्म का नाम इसलिए रखा गया था ताकि दहिया और मलिक खाप के लोग ज्यादा से ज्यादा इस फिल्म को देखें, जुड़े, भाईचारे को बढ़ाने की कोशिश इनको नजर आती है, और फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है ये भी भरोसा दे रही है अंजुवी हुड्डा। जी, बलजीत जी, ये तो क्या है इसमें, क्या नहीं है, ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन इसकी शुरुआत ही गलत है। वो हमारे हमारे देहात में ये हालत पाटड़े चढ़ से रांड होगी, जी तो ये हालत होगी इसकी। इसका नाम इन्होंने इतना गलत रख दिया जो लोगों को आराम ही नहीं आया, और उसी पे एतराज है ज्यादा सबसे जी पहले। तो ये तो बाद में देखा जाएगा आगे क्या है इसमें, अभी तक तो हमने ये फिल्म देखी नहीं ना, इसका नाम पर ये एतराज है कि इसके हम कंटेंट क्योंकि को लेकर अभी आप लोगों ने हमें क्यों देखना। कैस्ट करने हाँ लगे, जी जिन्होंने पिक्चर बनानी थी, चलानी थी, कोई बढ़िया सा नाम और रखते, हमें क्यों कैस्ट कर रहे हैं खपों को, हमारे कंधे पर ना रख के चलाओ ना। ठीक है बलजीत जी, आप मेरे साथ बने रहे। इस वक्त मेरे साथ विनय सिंघल फिल्म के डायरेक्टर हैं, जो जिन्होंने इस फिल्म को जो है निर्माण इस फिल्म का किया है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सिंघल जी बहुत स्वागत है आपका। जी राम राम, राम 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 विनय राम। सिंघल जी। विनय सिंघल जी, फिल्म को लेकर, टाइटल को लेकर ये आपत्ति शुरू हो गई है, इसमें कंटेंट क्या है उसको लेकर मैं समझने की कोशिश आपसे करूंगा, थोड़ा सा आप हिंट दे सकते हैं। पर ये जो टाइटल शीर्षक आप लोगों ने रखा, ये राज नहीं आ रहा दहिया और मलिक खाप को। जी जी शमशेर जी, आपके खबर फास्ट देखने वाले सर राम, और दादा बलजीत भी हैं हो रहे थे, दादाजी राम राम, आपने भी जी राम राम जी को। जो फिल्म का जो मकसद है वो भाईचारा है, ना कि किसी प्रकार का गोत्रवाद या कोई वाद या कोई भी और किसी प्रकार का भी वाद, केवल एक ही मकसद है पूरी फिल्म का, वो है भाईचारा, जी और उसी के लिए फिल्म बनाई है हमने। आप फिल्म देखोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने दादा बलजीत से भी रिक्वेस्ट करी है, अपने दहिया खाप के जो प्रधान है उनसे भी रिक्वेस्ट करी है, सब प्रार्थना है कि आप फिल्म देखो, फिल्म देख के आप हमारी पीठ थपथपाओगे, आप लोगों भाई बालको बढ़िया काम करा तुमने। और जो टाइटल रखने का कारण था वो भी यही कि ज्यादा लोग जुड़े इसके साथ में, और ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और भाईचारा आगे बढ़े, ना कि कोई इसके पीछे कोई कपटता थी या कोई इसी प्रकार की कोई भावना नहीं थी। बाकी जो त्रुटि हम तो हुई फिल्म हम डिसाइड करने में, जिसमें कि वर्सेस ला गया बीच में, जो हमारी गलती है, जिसमें कि स्टेज ऐप, और हम बिल्कुल मानते हैं कि भाई वर्सेस, मेरे ख्याल में हमने सोचा नहीं था कि वो इस प्रकार से चला जाएगा,
गलत चला गया, और इसलिए जैसे ही अपने बड़े बुजुर्गान अमाल से बताई यह बात, उसके 24 घंटा के भीतर भीतर कॉन्ट्रोवर्सी होने के हमने इसके ऊपर एक्शन लिया और इसने टाइटल बदलने का फैसला किया। हमने बिल्कुल पब्लिकली अपोलॉजी पोस्ट की, मेरे ख्याल में आपने वह भी दिखानी चाहिए, वैसे ही आप इस पैकेज में जो दिखा रहे हो। हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि टाइटल को लेकर के इन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली है और अब फिल्म के अंदर कंटेंट क्या है वो था। जो पैकेज में शमशेर जी जो ये चला रहे हो ना, ओम प्रकाश जी की बाकी चला रहे हो, ओम प्रकाश जी ने इसके बाद में ये भी कही है कि भाई धन्यवाद आपने टाइटल चेंज करने के लिए एक्सेप्ट कर लिया, आपको जोड़ लिया। देखिए हमारी तो कोशिश ही रहती है, अगर हम इस चीज को कॉन्ट्रोवर्सियल लेते तो हम ना तो आप लोगों को जोड़ते, अब खाप के प्रतिनिधियों को बैठा लेते और लोगों के कॉल ले लेते, लेकिन हमने आप लोगों से स्पष्टता, जनता के बीच में एक स्वच्छ मैसेज जाना चाहिए, इसीलिए आप लोगों को आमंत्रित किया है। और जो भी आप लोगों को कहीं पर देखिए, अगर आप प्रत्यक्ष बैठकर इस पूरे मसले को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, आप साफ सफाई दे रहे हैं, इस पूरे मसले को लेकर साफ कर रहे हैं, तो इससे बेहतर तो कोई बात हो ही नहीं सकती, इसलिए हमने चाहा कि आप लोग जुड़े। खबर फास्ट का आभारी हूँ कि आपने आप मारतीयो स्टेज दिया, मारतीयो प्लेटफॉर्म दिया कि हम पूरे हरियाणा ने इस कि फिल्म भाईचारे की है भाई, बिल्कुल प्योर भाईचारा का प्रमोशन है, प्योर दहिया और मलिक खाप कितना बढ़िया भाईचारा है आपस में, और उसका एक पूरे हरियाणा ने ना केवल दहिया और मलिक बल्कि वो पूरे हरियाणा के लिए एक मिसाल पेश, भाईचारा क्यों कर आगे बढ़ाया जा सके है ना, किसी के अंदर कोई किसी प्रकार की बंटवारे की बात करी जाएगी, ये मेरा वादा है पूरे हरियाणा से। फिल्म का नाम विनय सिंघल जी, आप विश्वास दे रहे हैं पूरे प्रदेशवासियों को भी, भाईचारे को भी, इसके लिए कहीं ना कहीं उस भाईचारे को भी, प्रदेशवासियों को भी सोचना चाहिए। मेरे साथ सुरेंद्र दहिया भी जुड़ गए, प्रधान दहिया खाप से। सुरेंद्र जी आपका स्वागत है, लेकिन आपसे बातचीत करूं उससे पहले छोटा सा कमेंट अंजुवी जी आपसे लूंगा, उसके बाद मुझे आपका शुक्रिया करना होगा। अंजुवी जी, ये जो बात कर रहे हैं विनय सिंघल जी, कहीं ना कहीं इसी प्रकार की प्रतिक्रिया आपकी भी है और ऐसा होना भी चाहिए, और अगर इस फिल्म में कुछ अच्छा है तो लोगों को देखना भी चाहिए। देखिए, हमारे हरियाणा में मुश्किल से सिनेमा बनने लगा है, मुझे लगता है कि बड़े बूढ़ों के, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना तो कोई भी काम वैसे भी सफल नहीं होता, और अगर वो नाराज हैं तो उनकी नाराजगी का पूरा सम्मान रखा है हमारी टीम ने, स्टेज ने, तो बस यही चाहते हैं कि बहुत अच्छे मन से, बहुत अच्छी नीयत से फिल्म बनाई है, तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए, और कुछ भी अगर आपकी भावनाओं को हमने ठेस पहुंचाई है तो उसके लिए हम पहले भी माफी मांग चुके हैं, अब भी मांग रहे हैं, लेकिन आप पहले फिल्म देखिए और फिर बताइए हमें कि फिल्म कैसी लगी आपको, क्योंकि फिल्म में ऐसा कुछ है नहीं खापर से रिलेटेड या ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए है तो फिल्म का लोगों को स्वागत भी करना चाहिए। आपने टाइटल को लेकर बोल दिया, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, आप मेरे साथ जुड़ी अंजुवी जी। इस बीच मैं एक छोटा सा कमेंट सुरेंद्र दहिया जी के पास जाकर उनसे लेना चाहूंगा। दहिया साहब, इस फिल्म के टाइटल को लेकर कहीं विरोध हो रहा था, वो बदलने का उन्होंने कह दिया कि हम बदल देंगे, अब इसमें कंटेंट क्या होगा इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि भाईचारे को जोड़ने वाला है, अब आप लोगों को इसमें कोई और आपत्ति दिखती है या फिर मामला सुलझ गया है? शमशेर जी, ऐसा है अभी तक इन्होंने जो है ना अपने मुंह से बोल दिया, बाकी इन्होंने अपने बैनर पे, अपने आईडीज पे, सब पे दहिया वर्सेस मलिक लगा रखा है, मैंने अभी भी इनको बोला है कि सब हटा दिया आपने, कि देख लिया हमने तो बिल्कुल कल दिया था सारा सिस्टम। अभी मैंने जस्ट जो है इनकी आईडी देखी है, इन लोगों की, इनके कलाकारों की, उन पे सब पे जो है ना वो लगा हुआ था, मैंने कहा कि इसको हटाओ, उन्होंने हटा तो दिया अभी एक दो ने तो मैन बात क्या है कि इन्होंने जब उस लिफाफे के ऊपर इतना जो ना टाइटल ऐसा बना दिया था, अंदर लिफाफे के क्या बीमारी होगी तो देखने के बाद पता लगेगा, इसको सर्च करेंगे कुछ हमारे लोग। यानी अभी आपको ऐसा लग रहा है दया साहब कि बहुत सी जगहों पर अभी भी उस नाम से कहीं ना कहीं चीजें शो हो रही हैं, जो फिल्म के कलाकार हैं जो या जो भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं उनको लेकर मैं कमेंट लेना चाहूंगा, छोटा सा कमेंट आपका विनय सिंघल जी, ये कहीं ना कहीं आपत्ति अभी भी दिखती है, इसको लेकर क्या कहना है? कुछ लोगों ने अभी लगा रखा होगा, हो सकता है शमशेर जी सोशल मीडिया का जमाना है, किस किस ने शेयर कर दी इतनी देर में, देखो सबकी डिलीट तो किस तरह करवा जाके, लेकिन जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पे, फेसबुक पे पूरी तरह से डिलीट कर चुके हैं, जितने भी कोई हमने प्रमोशन करी आज तक पिछले 15-20 दिन में डिलीट कर चुके हैं हम। चलो अच्छा है अगर ऐसा कुछ किया तो। ये इन्होंने डिलीट कर दिया। मैं बलजीत मलिक जी आपसे पूछूंगा, इतना कुछ सब कर चुके हैं, अब इसके बाद क्या आप लोगों को आपत्ति रहे या आपत्ति नहीं रहनी चाहिए? बहुत सी बातें खुद विनय सिंघल फिल्म के डायरेक्टर ये बता रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से जो करना था लगभग कंप्लीट कर चुके हैं और कहीं कोई चूक होगी तो भी करेंगे, ये भरोसा दिलाया जा रहा है। बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है, भरोसा दिला है। हम ये चाहते हैं कि ये जो क्या है, फिल्मों में आम तौर पर काल्पनिक नाम दिए जाते हैं, इन्होंने तो एक्चुअल में हमारा दहिया का आपस का भाईचारा बिगाड़ने का काम कर दिया, और हम नहीं चाहते कि समाज में इस तरह का बंटवारा हो।
और अगर ये नाम चेंज करते तो कंटेंट तो बाद में देखेंगे, अभी तो स्टोरी भी इनकी बुक। अच्छा, कंटेंट को लेकर आप लोग क्या चाहते हैं फिल्म को रिलीज से पहले, उससे पहले क्या ये फिल्म जो है वो आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आप लोगों को देखनी चाहिए, उसके बाद फाइनल करेंगे? क्योंकि रिलीज अगर हो जाती है तो रिलीज होने के बाद तो फिर मामला और ज्यादा गड़बड़ा जाएगा अगर कोई दिक्कत है तो। ये क्या इसको लेकर क्या मानना है आपका मलिक साहब? आप ठीक कह रहे हैं सुनशेर सिंह जी, हम देखने के बाद ही कुछ कह पाएंगे जी, बगैर देखे तो धूल मुंडक मारने वाली बात है। यानी नाम से आपत्ति थी, नाम हटाने का ऐलान हो चुका, हटा दिया है, लेकिन अब इसके अंदर है क्या वो चीज भी आप देखना चाहते हैं? मैं दहिया साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप चाहते हैं कि इस फिल्म को आप लोग पहले देखें? और मैं ये चाहूंगा कि विनय सिंगल जिस पर जवाब दे, पर आपसे चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे दया साहब? मैं चाहता हूं कि एक बार इसको जो ना समाज के प्रमुख लोग देख लें, और उसके बाद अगर इसमें ठीक ठाक है तो जो आपत्ति दूर हो जाएगी जी। इन्होंने कि जो ना टाइटल चेंज कर दिया है, अंदर की अगर कोई ऐसी बात नहीं है जिसे समाज में बिगाड़ आए, कोई विरोधाभास हो तो अच्छी बात है कि ना होना चाहिए उसमें, पहले ही हटा ले उस सीन को। ये विनय सिंगल जी, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा कि अगर कहीं कोई आपत्ति, कोई चूक रह गई हो तो वो देखने के बाद साफ हो जाएगी। आप लोग क्या कहते हैं, क्या ये फिल्म समाज के दहिया मलिक खाप के प्रबुद्ध लोग जो प्रधान लोग हैं खापों के, उनको दिखाई जाएगी? हमारा सौभाग्य होगा शमशेर जी कि हमको अपने प्रधानों से समय मिले, अपने अपने जो समाज के इतने मोर्दी लोग हैं, जितने भी मौजूद लोग हैं उनसे समय मिले, हम उनकी बताए और पूरी फिल्म उनको दिखा के और उनकी पूरी इसके ऊपर वो लेंगे कि भाई इसमें क्या ठीक क्या गलत, और वो पूरा उनसे। इसको लेकर कोई टाइम फिक्स हो गया सर आप लोगों का, क्या कुछ टाइम अभी रखा है या फिर अभी इसको आगे पोस्टपोन करने की बात है? दो दिन कंट्रोवर्सी ने समझ लग रहे हैं हम तो, उससे हमें बावड़े हो रहे थे, बिल्कुल बात नहीं लग रही है हमारी। दहीदी से भी संपर्क सजा है, मलिक दादा मलिक से भी बात हुई है, सब हुई है, जल्दी जितना जल्दी समय मिलेगा हम बहुत जल्दी। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया संगल साहब आपका भी, बलजीत जी आपका भी, और सुरेंद्र दहिया जी आपका भी, इस चर्चा में आप लोग जुड़े। सवाल आपका में आप लोगों ने अपने तरफ से जो सवाल आपके थे उनको लेकर भी आपने पूछने की कोशिश की, और जो एक दूसरे से सवाल थे उसको लेकर भी आपने जवाब पाने की कोशिश की, और हमने भी एक मंच ऐसा दिया जो समाज के भाईचारे को बिगाड़ने से समाज को बचाए, एकजुट करना चाहिए। समाज है, देश है, 26 जनवरी आने वाली है, और देश में एकजुटता, देश की एकता, अखंडता, समाज की एकजुटता ये बनी रहनी चाहिए। वो खापों के बीच में है, वो धर्मों के बीच में है, वो गोत्र के बीच में है, या फिर हमारे समाज का जो आईना होता है सिनेमा जगत, उसका काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बारीकी से एक एक चीज को समझकर परखकर परोसना चाहिए, और परोसने से पहले अगर किसी को आपत्ति उसको दिखा देना चाहिए। अब सिंगल साहब ने बोला है कि फिल्म का टाइटल को हमने चेंज कर दिया है, अभी हम थोड़े से उलझे हुए, हमें करना क्या है और इसके अंदर जो कंटेंट है वो पहले हम दिखाएंगे दोनों खापों को, दोनों खापों के प्रबुद्ध लोगों को फिल्म दिखाएंगे, और उसके बाद अगर कोई उन्हें आपत्ति होगी, और यह भी कहा कि हमारा सौभाग्य होगा कि ये लोग हमें हमारी फिल्म को देखने का वक्त दें, उसके बाद अगर कहीं पर कोई चूक रहेगी तो उसको भी दूर किया जाएगा, यह बेहतर मैसेज जाना चाहिए। और खबर फास्ट की हमेशा ऐसी पहल रहती है। फिलहाल सवाल आपका, इतना ही, आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।